कलंबी गांव में 7 दिवसीय श्रीपाद भगवत सप्ताह एवं रामकथा वाचन कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। सप्ताह मंगलवार 17 फरवरी से शुरू हुई थी। कलंबी गांव के हनुमान मंदिर क्षेत्र के मंडप में महाराज अर्जन जी गिरटकर तारसा व महाराज भीमसेन गिरटकर व विजय बाल पांडे महाराज के माध्यम से प्रतिदिन रामकथा का पाठ किया जाता था। समापन दिवस 24 जनवरी को वार्ड नंबर 2 हनुमान मंदिर से पालकी निकाली गई। नागोबा मंदिर के सामने पालकी गांव से हनुमान मंदिर क्षेत्र तक की गई। पालकी में घोड़ों, भगवान की प्रतिमा, तस्वीर, भजन मंडली तथा विभिन्न वेशभूषा में सजी महिला मंडल को आकर्षित कर रही थी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने गांव में चाय नाश्ते के स्टॉल लगा रखे थे। 7 दिवसीय भगवत सप्ताह के अंतिम दिन शाम को पूरे कलंबी गांव की ओर से भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस दौरान गांव के सरपंच विनोद कृष्णा जी भोयर, उप सरपंच छत्रपति भानुदास मोहड़, पंकज एकनाथ भांगी आदि लोगों की प्रमुखता से उपस्थिति देखी गई। 17 तारीख के सप्ताह चल रहा है श्रीमद् भागवत सप्ताह। आज 24 तारीख है, आज एंड है महाप्रसाद का कार्यक्रम है। समस्त गाँवकारी मंडली को सगड़ी सगड़ा मिलून है सप्ताह है। मोजा कलंबी या गावात प्रथमच आम्हा गावामध्ये हा श्रीमद भागवत सप्ताह याचे आयोजन महिलातर्फे खास करून याची सुरुवात ही महिलांनी केली आणि समस्त गावकरी सरपंच उपसरपंच आणि सर्व गावकरी मंडळीने यांना सहकार्य केले। हा सप्ताह दिनांक 17 तारखे श्रीमद भागवत गीता ही 17 तारखेला सुरुवात झाली 17 जानेवारीला व आज त्यांची समाप्ती आहे 24 तारखेला। त्याच्यामध्ये बहुत पुष्कळ लोकांनी सहभाग घेतला। गावातील संपूर्ण लोकांनी, महिला, लहान बाल व सगळे मित्रमंडळी त्यांनी सगळे। NBC न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।